गले की वाट लगी पड़ी है, अभी भी गरारे कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है बॉडी पूरी टूट रही है, सर दर्द हो रहा है सिर्फ इस गले की वजह से। सोया भी नहीं है रात को ढंग से, रात को ठीक लग रहा था लेकिन बस मिडनाइट में ना सर दर्द होना शुरू हो गया था। अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है, मैं तो सो गया था यार उसके बाद ना, गला दर्द सर दर्द पता नहीं क्या हो गया था एकदम से। तो मैं तो सो गया, एक दो घंटे रेस्ट किया, फिर नहाया, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। हल्का हल्का सर दर्द तो है क्योंकि ना यार आज मैंने कुछ खाया नहीं है, आज काची है तो फास्टिंग वाला खाना है तो बना हुआ है वो खाते हैं, ऊपर से गेस्ट भी आ रखे हैं आज, तो चलो पहले खाते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद हो सकता है आज इस्कॉन भी जाऊँ। बने रहना वीडियो में, इसमें वैसे सही आती है ना सिनेमैटिक में, सही आ रही है। अब मैं निकला हूँ घर से, मामा के पास जा रहा हूँ, उसके बाद हमने एक जगह जाना है, फिर इस्कॉन में भी दर्शन करते हैं। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है यार, बाहर निकल गया ना थोड़ा ठीक लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ जितना पसीना आया ना मुझे उतना ही बेटर होगा। मैं आ गया था मामू के साथ इस्कॉन, बस अभी दर्शन होने वाले हैं, ऑल्टर ओपन होने वाला। वैसे एक परिक्रमा करते हैं फिर निकलते हैं, मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। बस भाई अब निकल रहे हैं यहाँ से, पतले में लग रही थी सिर में, अभी भी थोड़ा थोड़ा घूम रहा। मंदिर में आया तो काफ़ी टाइम हो गया था हमें, लेकिन भाई फ्रेंड यार ऐसी गाड़ियाँ चला जाते हैं कि मार रही हैं बीच में, तो आए तो काफ़ी टाइम हो गया था, मैं आए हुए दर्शन नहीं ओपन हुए थे, ऑल्टर खुला नहीं था, तो बस अभी निकल रहे हैं यहाँ से। चलो भाई अभी चलते हैं। देखो वैसे मेरे को ना गर्मी में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ी सी हवा लगती है ना सर घूमने लग जाता, अंदर बैठा हुआ था मैं प्रभु जी के साथ, सर घूमने से लग गया, मतलब दर्द हो रहा था, ठंड तो नहीं लगी कहीं मुझको, हवा लगी बाहर की है, हवा ज़्यादा लगी मेरे को बाहर। इधर आ गए, आ देखो ये कितना बड़ा ना, मजबूत ही कर रहे हैं हम काम, पक्का ही काम कर रहे हैं, है ना, ये पूरा आरसीसी वर्क हो रहा है। हाँ पूरा बहुत तगड़ा काम, हूँ वधिया हो रहा है काम सारा। मैं आ गया था स्कॉन जाके और मामू को ड्रॉप कर दिया था, और अब ना मेरे को तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है मेरी, अब मेरे को ध्यान आया मेरे को बुखार सा लग रहा है, तो भाई ये तोड़ लाया था मैं गिलोय, इसको गीला करके बस हल्का सा ऐसे पीस के इसको, ऐसे पीस के हल्की हल्की, दवाई खाने से बेटर है यार ये ना, मम्मी ने बताया मुझे, ये जाएगी इसके अंदर, गर्म बन रखा मैंने, इसके अंदर डाल देता हूँ मैं बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे ही तीन चार बार उबाली आएंगे इसके, ये मैं पी लूँगा, थोड़ा गर्म होता है, थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, अभी खाना खाया हिचकियाँ लगनी शुरू हो गई, उन्हें पानी नहीं पिया, तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है ये, आधा एक गिलास अभी पी लूँगा, आधा एक गिलास सुबह, है ना अम्मा। तो मेरे को बुखार सा लग रहा है, कमज़ोरी सी फील हो रही है, वीक वीक सा लग रहा है, तो बस यार आज का व्लॉग मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं कर भी नहीं पाया, बस मामू को छोड़ने के बाद बस घर पर आ गया, उसके बाद लेटा रहा, फिर उठते ही मेरे को फील हुआ कि थोड़ा ना जुकाम भी लग गया है, ये निचोड़ देगा सब कुछ, शरीर यूँ निचोड़ देगा बुखार को, खुद तो हड्डियों से भी निकाल देता है गिलोय, तो चलो गिलोय का पानी पीता हूँ, तो मिलते हैं अभी गिलोय का पानी पीते हुए, आ जाएगा 15-20 मिनट में उबाली आ जाएगी। मैं गिलोय का पानी पी लिया बढ़िया, और थोड़ी सी रेस्ट की, और अब थोड़ा ना बेटर फील हो रहा है यार, गिलोय तो चीज़ ही ऐसी है, रामबाण है, रामबाण दवाई है, बस थोड़ा हल्के लिए गले में खराश है, सुबह भी आधा एक गिलास पी लूँगा पानी उसका गिलोय का, सेट हो जाएगी बॉडी, दवाई से बहुत बेटर चीज़ है, ट्राई करके देखना कभी अगर आपको बुखार हो या कुछ भी हो, शरीर टूट रहा हो ना, गिलोय ट्राई करके देखना बेटर है, मेरे को तो मम्मी यही देते हैं हमेशा, बचपन में भी कभी दिया होगा, यही देते हैं जब भी बीमार होते हैं, तो गोलियां खाने से अच्छा है कोई डॉक्टर के पास जाने से बहुत बेटर है। तो चलो यार आज मैं व्लॉग ज़्यादा नहीं शूट कर पाया, तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, यहाँ तक आए हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, और लाइक करना, शेयर करना मेरे व्लॉग को, मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।